बच्चों, आज थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपन फर्स्ट पेपर में जो कि राजनीतिक विचारक और विचारधाराओं का पेपर है, इसके अंतर्गत अपन जो है आज अब तक अरस्तु का अध्ययन किया, प्लेटो अरस्तु का विस्तार से अध्ययन किया है। आज अपन एक नए विचारक यानी कि थॉमस एक्विनास, मध्ययुगीन विचारक, बहुत बड़ा राजनीतिक विचारक माना जाता है थॉमस एक्विनास, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, थॉमस एक्विनास यद्यपि मध्ययुग का ईसाई विचारक था, धार्मिक विचारक था, ईसाई धार्मिक विचारक था, लेकिन फिर भी इसके राजनीतिक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके राजनीतिक विचार को ईसाई धार्मिक का विश्लेषण के संदर्भ में तो महत्व दिया ही जाता है, परंतु थॉमस एक्विनास के विचारों को समकालीन राजनीतिक चिंतन में भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अनेक विषयों पर उसने प्राचीन, खासकर अरस्तु के द्वारा दिए गए विचारों को ईसाई धार्मिक संदर्भ, मध्ययुगीन धार्मिक संदर्भ में उसका विश्लेषण किया, और राज्य समेत राजनीति के अनेक पहलुओं पर उसके विचार महत्व रखते हैं। वो तो कहते हैं कि इतना, यद्यपि अल्प आयु में उसका निधन हो गया था 57 वर्ष की आयु में, लेकिन उस समय तक वो इतना प्रसिद्ध हो चुका था उस पूरे क्षेत्र में, यूनान इटली के क्षेत्र में, के कई सारे जो है शासक थे वो उसको इनवाइट करते थे, वो उससे अपेक्षा रखते थे कि वो उनका मार्गदर्शन करे, उनके कर्तव्यों के बारे में उनका मार्गदर्शन करे। तो इस तरह से थॉमस एक्विनास एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक था, ईसाई धार्मिक विचारक था, लेकिन वो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक था। थॉमस एक्विनास जो है वो 1225 में उसका जन्म इटली में हुआ था, इटली के जो नेपल्स है, नेपल्स राज्य में हुआ था, और वो अपने परिवार से बहुत ही कुलीन, बहुत ही अमीर और काफी समृद्ध था, और इसलिए वो 5 वर्ष की आयु से ही एक बड़े उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने भी गया, जहाँ 12 वर्ष तक उसने अध्ययन किया, और काफी वो एक तरह से चाइल्ड प्रोडिजी भी था, यानी कि वो एक बहुत बड़ा बाल प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने बहुत कुछ उसी समय ज्ञान हासिल करना शुरू किया और कईयों को प्रभावित किया। और वो उसके परिवार वाले भी चाहते थे कि वो अपने राजकीय सेवा और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में, कैरियर में उच्च स्थान को प्राप्त करे, क्योंकि उसके पिता जो थे वो फ्रांस के राजा के संबंधी भी थे, तत्कालीन फ्रांस के राजा के संबंधी भी थे, तो उस तरह का स्तर था, तो नेचुरली राजकीय सेवा में उसको लाने के प्रयास उसके परिवार परिजनों ने किया था। लेकिन देखिए, उसका कुल मिलाकर ईसाइयत और ईसाई धर्म के प्रति और अध्यात्म के प्रति उसका बहुत ज्यादा लगाव शुरू से था, एक तरह से वैराग्य भी उत्पन्न होने लग गया था परिवार का विरोध करते हुए, यहाँ तक कि परिवार का विरोध करते हुए घर भी छोड़ने को आतुर था। इस कारण से परिवार परिजनों ने उसको एक प्रकार से बंदी भी बनाए रखा अपने किले में, लेकिन सबका विरोध करते हुए थॉमस एक्विनास 1244 में वो ईसाई धर्म में वैराग्य की ओर बढ़ गया, घर छोड़ दिया, और उसके बाद से वो अनेक स्थानों पर भ्रमण करता रहा, और 1256 में पेरिस विश्वविद्यालय में थॉमस एक्विनास को धर्मगुरु की उपाधि दी गई, और फिर इसी से उस समय उसका संपर्क, उस समय के काफी बड़े धार्मिक विचारक विलियम ऑफ वॉरवेक से संपर्क हुआ। उसके बाद जो है उसने उनसे काफी चर्चा की, उसके संदर्भ में अपने विचार लिखे, और बाद में तो 14वीं शताब्दी में उसकी मृत्यु के बाद उनको संत की उपाधि, संत का स्थान भी दिया गया ईसाई धर्म में। तो इस तरह से वो कुल मिलाकर एक बड़े आध्यात्मिक विचारक के रूप में के रूप में प्रसिद्ध हुए, और साथ में बाद में अपनी अनेक पुस्तकों के माध्यम से राजनीतिक प्रतिपादन भी किया। 1274 में फिर मात्र मात्र 57 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। अब थॉमस एक्विनास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखें,
तो अपने थॉमस एक्विनास ने अपने जीवन काल में ही, जो काफी छोटा, बहुत बड़ा जीवन काल नहीं था 57 वर्ष का, उसमें लगभग 37 ग्रंथ और 40 लघु ग्रंथों की रचना की थी। और कैटलिन तो कहता है कि वो 60 ग्रंथों की उसने रचना की थी। उनके प्रमुख रचनाओं में जो है वो है, एक है एथिक्स। एथिक्स एथिक्स को हिंदी में नीति शास्त्र भी कहते हैं। इस ग्रंथ में राजनीति शास्त्र संबंधित काफी वर्णन मिलता है, और साथ ही अरस्तु के ग्रंथों का इसमें बहुत ही सटीक रूप से उसके ऊपर टिप्पणी की गई है। इसी कारण से अरस्तु के ग्रंथों के टीकाकार के रूप में वह आज भी बहुत ज्यादा विख्यात है। दूसरी जो प्रमुख पुस्तक है वो है सुम्मा थियोलॉजिया। याद रखना, कई बार अपने प्रश्न में आ जाता है सुम्मा थियोलॉजिया। सुम्मा थियोलॉजिया जो है, थॉमस अक्विनास ने की एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट राजनीतिक ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ के माध्यम से उसने राज्य पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, राज्य के बारे में, राज्य उत्पत्ति से लेकर राज्य के कार्य के बारे में। और इस ग्रंथ का उद्देश्य था कि अरस्तु के दर्शन को रोमन, उस समय जो तत्कालीन ईसाई रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताएं थी, उसके साथ समन्वय स्थापित किया जाए। इसलिए थॉमस अक्विनास को एक समन्वयवादी विचारक ही कहते हैं। और इसी में उसने कानून की भी पूरी एक समुचित व्याख्या की है सुम्मा थियोलॉजिया में। इसके अलावा एक है पुस्तक उसकी पॉलिटिक्स, और यह ग्रंथ पूर्णतः कुल मिलाकर अरस्तु के विचारों पर उसकी टिप्पणी से संबंधित है। एक पुस्तक है ऑन किंगशिप। ऑन किंगशिप, इस पुस्तक में एक्विनास ने नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति की व्याख्या की है, और राजतंत्र से उसकी तुलना की है, और इस तरह से तुलनात्मक विश्लेषण का ग्रंथ है ये। फिर उसके बाद रूल ऑफ प्रिंसेस है ना, टू द किंग ऑफ साइप्रस है, फिर सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स है। इस तरह की किताबें जो है, वो बहुत सारी किताबें लिखी है। और सेबाइन तो कहता है कि संपूर्ण मध्ययुग में अगर दार्शनिक महत्व वाला कोई विचारक हुआ तो थॉमस एक्विनास हुआ है। वो कुल मिलाकर दार्शनिक तो था ही, अध्यात्म और धर्म का प्रभाव था, लेकिन उसके दर्शन में समकालीन राजनीति और समकालीन नीति शास्त्र का बहुत अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। और मध्यकाल के अनेक दार्शनिकों, यद्यपि हम देखेंगे तो राजनीति विज्ञान में जब अपन चर्चा करते हैं तो मध्य युग को सामान्यतः अंध युग भी कहा जाता है। क्योंकि यह युग कुल मिलाकर माना जाता है कि यह है बौद्धिक रूप से राजनीतिक का विश्लेषण, विचार के विकास के संदर्भ में यह युग कुल मिलाकर अंत युग था। इसमें बौद्धिकता, विवेक या वैज्ञानिकता का सर्वथा अभाव था, तर्क का अभाव था। ऐसे नए विचार उत्पन्न नहीं हो रहे थे, क्योंकि हर एक चीज पर, मनुष्य के हर एक वैचारिक अधिष्ठान पर कुल मिलाकर धर्म और अंधविश्वास का बोलबाला था। विशेष रूप से यूरोप में, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, आपके थॉमस एक्विनास के इटली या उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो चर्च का बहुत, रोमन कैथोलिक चर्च, वेटिकन का बहुत ज्यादा प्रभाव था। और इसलिए इस युग को अंधयुग कहते हैं। लेकिन उस अंधयुग में भी, उस एक प्रकार से अवरुद्ध हुए विवेक वाले युग में भी, थॉमस एक्विनास एक बीकन लाइट की तरह था, एक प्रकार से प्रकाश पुंज की तरह था। इसने अध्यात्म धर्म के साथ साथ राजनीति का समन्वय किस प्रकार से हो, इसको उसने बहुत सुंदर ढंग से रखा। और अरस्तु का जीविका, क्योंकि अरस्तु हम सभी जानते हैं प्री क्रिश्चियनिटी एज का है, यानी पूर्व ईसा का है, पूर्व ईसाई युग का है, तो उसके विचार को आधुनिक ईसाई आध्यात्मिक संदर्भ में किस प्रकार से लागू किया जाए, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से विमर्श प्रस्तुत किया है थॉमस एक्विनास ने। और इसलिए थॉमस एक्विनास एक समन्वयवादी दार्शनिक के रूप में भी विख्यात है, जिसने अपने युग के अनेक प्रकार के, यहाँ तक कि जो थॉमस एक्विनास से पूर्व के एक बहुत बहुत बड़े राजनीतिक विचारक थे, जो
ईसाई आध्यात्मिक विचारक के रूप में विख्यात है, वो है संत ऑगस्टिन। संत ऑगस्टिन के विचारों और अरस्तु के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उन दोनों के विचारों में परस्पर एक विरोधाभास देखने को मिलता है, तो उनके दर्शन के सिद्धांतों में, उनके राज्य संबंधी सिद्धांतों में एक समन्वय स्थापित करने का कार्य थॉमस एक्विनास ने किया। और यह है इसलिए उस मध्य युग के एक प्रकार से अंधविश्वासों के समय में भी दर्शन और बुद्धि के विकास का एक बड़ा उदाहरण है। गेटेल कहता भी है कि उसने विवेक तथा विश्वास में समन्वय बिठाने का प्रयास किया। कई लोग इस पर असहमत हो सकते हैं, खासकर जो तर्कवादी हैं, कि विवेक, तर्क और विश्वास या आस्था, इसमें समन्वय कैसे बिठाया जा सकता है, क्योंकि तर्क जो है वो अंधविश्वासों से परे होता है, विवेक अंधविश्वासों से परे होता है, और आस्था और विश्वास जो है वो अंधविश्वास को नकार नहीं सकता। तो कई लोग इसके ऊपर अपने आलोचना प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जैसा कि गेटेल ने कहा कि उसने विवेक और विश्वास में समन्वय बिठाने तथा चर्च के सिद्धांतों का परंपरागत राजनीतिक विधाओं के साथ समन्वय स्थापित करने में एक सफल प्रयास किया, समन्वय स्थापित करने का एक सफल प्रयास किया। सेबाइन भी कहता है कि विज्ञान और दर्शन जिस पद्धति को प्रारंभ करते हैं, धर्मशास्त्र उसे पूर्ण करता है। श्रद्धा विवेक की पूर्णता है, ये दोनों मिलकर ज्ञान के मंदिर का निर्माण करते हैं, किंतु कहीं भी वे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और दूसरे के विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। अब जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थॉमस एक्विनास के विचारों में एक पिरामिड भी आता है, जिसमें धर्म, आस्था और विवेक और विज्ञान, इन सब का किस प्रकार समन्वय है, इसकी वो बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही एक कन्विंसिंग तरीके से इसका विश्लेषण थॉमस एक्विनास करता है। उसके बारे में हम बाद में विचार करेंगे। और सबसे पहले एक्विनास के जो राजनीतिक और राज्य संबंधी विचार है, उसकी व्याख्या अपन अगले व्याख्यान में